subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Assistant photographer काम करता था, मतलब कैमरे के पीछे काम कर रहा था. तो ये वो मौका है जहाँ पे मैं खुद अपना टैलेंट को दिखा पाया. तो मैं ऐसा देख के चाहता कि धर्मेश्वर के बाद किसी को देखा अगर इतना बीट को इतने इजी से इतने प्रीसेस से पकड़ता है तो ये है. चंदा को बोला है जब वोटिंग चल रहा था हम लोगों का कि he is the only contestant पंकज एंड सुब्रमण्यम only play in the show जिनके डांस की वजह से, सिर्फ डांस की वजह से शो में कोई रोना धोना कोई ये सब लेके आगे नहीं बढ़ना चाहता. तो मैं चाह रहा था कि सिर्फ डांसिंग रहे, डांसर भी नहीं रहे, सिर्फ डांस रहे, डांस के ग्रुप जो लोग आगे बढ़े. मैं ये चाह रहा था. श्वेता बस अच्छी दोस्त है मेरी. मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब जैसे दिखता है टीवी. मैं हूँ सिमरन और आज मेरे साथ दो ऐसे लोग ज्वाइन होने वाले हैं जो सही मायनों में बेस्ट डांसर्स कहला सकते हैं, क्योंकि वो है इंडियाज बेस्ट डांसर की फाइनलिस्ट जोड़ी पंकज और शुभ्रनील. हाय, वेलकम टू इंडिया फोरम्स. कैसे हैं आप? कैसा है ये फिनाले का एक्साइटमेंट? देखो एक्चुअली जब ये शो शुरू हुआ था, मतलब ये शो के पहले मैं एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम करता था, मतलब कैमरा के पीछे काम कर रहा था. तो ये वो मौका है जहाँ पे मैं खुद अपना टैलेंट को दिखा पाया. तो मैं ये मौका गवाना नहीं चाहता था कि इंडिया के लिए जानता जब ऑडिशन चालू हुआ तब मैंने बस यही सोचा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ मुंबई, कभी लोगों के सामने वो आए नहीं, मतलब मैं मेरा अपना टैलेंट है दिखा नहीं पाया था. मैं पर ये वो मंच है जहाँ पे मैं सबको दिखा पाया मेरा टैलेंट. और मेरे को पंकज भाई मिला एज ए कोरियोग्राफर, उनके साथ मिलके बहुत ही मजा आया शो में. एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा था क्योंकि क्या होता है कि मतलब आपके अंदर की जो चीजें, अंदर का टैलेंट है, जब वो दिखाने का मौका मिलता है तो वो एक स्पेशल मोमेंट होता है लाइफ का, बहुत स्पेशियस मोमेंट होता है. तो ये पंकज भाई के साथ मिलके और वो मजेदार हो गया और इंटरेस्टिंग हो गया. सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सेकेंड फाइनलिस्ट बने शो का, जो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था. ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि जब ऑडिशन शुरू हुआ था तभी से लेके अभी तक का जर्नी था इतना माइंड ब्लोइंग रहा. मतलब हम लोग बस मोमेंट को जीते रहे और अच्छे तरीके से हम लोग फिनाले तक पहुंच गए, लोगों का प्यार मिला, वोट्स मिले, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं. यस पंकज, आपसे जानना चाहूंगी बिकॉज आप लोग ने यू नो थोड़े बहुत ग्लिम्स देखे थे ऑडिशन के टाइम पे सब कंटेस्टेंट्स के, तो उस टाइम पे क्या था कि कौन मिलना चाहिए? फिर जब शुभ्रनील मिले तो आपका क्या रिएक्शन था कि मतलब कितने एक्साइटेड थे? क्या आप किसी और को कंटेस्टेंट का एक्सपेक्ट कर रहे थे? वैसे मैं ऑडिशन में देख नहीं पाया, शुभ्रनील का ऑडिशन देख नहीं पाया, पर मैं डायरेक्ट उसको मेगा ऑडिशन में ज्वाइन किया. जब मैंने उसको पहली बार देखा मेगा ऑडिशन के लिए कलिंग जो राउंड होते हैं उसमें मैंने उसको देखा, और उसको जब वहां पे देखा मैं, मतलब सब लोग आए थे लेकिन जब उसको देखा ऐसा लगा ये बंदा सबसे अलग है. जितने भी कंटेस्टेंट आए उस में से सबसे अलग है, मतलब फ्रेश है. कि जो भी मतलब धर्मेश्वर जैसे बीट पकड़ते, जैसे बीट को कैच करते, जैसे इजीली दिखाते, वैसे ये भी ऐसे इजीली करता है, बीट को म्यूजिक को दिखाता है. तो मैं ऐसा देख के चाहता कि धर्मेश्वर के बाद किसी को देखा अगर इतना बीट को इतने इजी से इतने से पकड़ता है तो ये बंदा है सुरेंद्र पॉल. और ऐसे मेरे को ऐसा फील था कि मेरे को शायद मुकुल मिलेगा, क्योंकि मुकुल है मेरा जो स्टाइल है जो मैं करता हूँ, एक्चुअली ब्रेकिंग एंड कंटेम्प्रेरी वगैरह ऐसा करता हूँ, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा लिरिकल म्यूजिक फ्लोरिंग ये सब पे ध्यान है इसका. तो हम लोग का स्टाइल दो अलग है, पर मेरे को ऐसे मुकुल चाहिए था. लेकिन जब मेरे को पता चला कि सुब्रमण्यम पॉल मिला है तो मैं ज्यादा खुशी हो गया, क्योंकि यार कुछ तो एक्सपेरिमेंट करने मिलेगा मेरे को, सुबह कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा खुद के ऊपर भी और इसके ऊपर भी. और इसका जो स्टाइल मैंने बहुत कुछ सीखा इससे और इसने भी बहुत कुछ सीखा, दोनों ने मिल हम दोनों ने मिल के जो सीखे हमने जो लोगों को दिखाया है वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला हमें तो बहुत अच्छा लगा. बाकी तो ये मेरा भाई बहुत अच्छा डांसर है, बहुत बहुत टैलेंटेड है. मतलब एक चीज नहीं करता, दो तीन चीजें करता है, सिंगिंग भी करता है, डांसिंग भी करता है, और क्या क्या करता है पता नहीं, लेकिन बहुत बहुत सही है. So, शुभ्रनील, हमने पिछले वीक भी देखा आपने परफॉर्म किया स्टेज पे, यू गॉट अ चांस टू परफॉर्म विद विशाल सर एंड वहां पे आपको अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस करने मिला. सो डांसिंग के साथ साथ यू नो सिंगिंग भी अपना ऑडियंस को दिखाना और उसके लिए भी इक्वल प्यार मिलना, उससे कितना ज्यादा सैटिस्फाइंग महसूस होता है?
एक्चुअली म्यूजिक मैं डांस करता हूँ क्योंकि म्यूजिक से लगाव है मुझे. लाइक मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब डांस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूँ, बट एट द सेम टाइम म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है, मैं म्यूजिक के लिए जीता हूँ. तो कहीं ना कहीं डांस भी म्यूजिक के लिए ही करता हूँ. मतलब मेरा इंटेंशन किसी को इम्प्रेस करने का या खुद को भी एक्सप्रेस करने का नहीं रहता है. मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन रहता है कि जो म्यूजिक बज रहा है अगर म्यूजिक पे लिरिक्स भी ना हो तो म्यूजिक को जस्टिफाई करना, म्यूजिक का फील पकड़ना. तो वो मेरा फील हमेशा से दिमाग में ऐसे ही रहता है. तो मैं यही सोच के स्टेज पे उतरता हूँ. और जैसे आपने बोला कि डांसिंग के साथ साथ म्यूजिक को भी दिखाने का मतलब मौका मिल रहा है मुझे, डेफिनेटली वो तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि एक डांसिंग शो पे आके कोई गेस्ट आता है, कोई सिंगर आता है, कोई म्यूजिक कंपोजर आता है, तो मुझे वो मौका मिलता है उन लोग के सामने गाने का, गिटार बजाने का, उन लोग के साथ स्टेज शेयर करने का. तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग मतलब अमेजिंग रहा मेरे लिए. जैसे जब विशाल ददलानी सर खुद आके, विशाल ददलानी सर को मैंने इंडियन आइडल में एक बार सिखाया था एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर सिखाया था. फिर तभी मैंने, मेरे विश था कि उनके साथ में काश एक बार स्टेज शेयर कर पाऊँ, तो वो विश पूरा हो गया. तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा, मतलब आई एम थैंकफुल टू सोनी टीम. पंकज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा था कि ना आप दोनों ने एक दूसरे से काफी चीजें सीखी हैं, बिकॉज शुभ्रनील पहले एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर रह चुके हैं, थोड़ा स्टेज प्रेजेंस जानते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, कितने इनके इनपुट्स होते हैं कोरियोग्राफी में और कितना कुछ मतलब यू नो ये ऐसे कर सकते हैं भाई, ऐसे कुछ अपने सजेशंस कितने देते हैं? जब हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं, जो मेरा असिस्टेंट है मोहन सिंह जो है वो भी बहुत अच्छा है. उसका भी दिमाग बहुत क्रिएटिव है. ये क्रिएटिव है अपने स्टाइल पे, अपने म्यूजिक पे. मैं क्रिएटिव हूँ, थॉट्स कैसे करेगी, बयां कैसे करे चीजों को, लिरिक्स को कैसे बयां करे. और मेरा जो असिस्टेंट है मोहन सिंह, वो है कि कैसे विजुअली स्ट्रॉन्ग दिखे. तो हम तीनों का जो प्लस पॉइंट है ना, हम तीनों का मतलब एक का नहीं बताएंगे क्योंकि हम तीनों ने मेहनत किया है शो पे. मेरे असिस्टेंट ने भी किया, मैंने भी किया, इसने भी किया. तो तीनों का जो प्लस पॉइंट होके जो दिखता है ना, तो वो बहुत कुछ बहुत अच्छा, लोगों को बहुत पसंद आया. और इसका ऑब्वियसली इनपुट बहुत ज्यादा था क्योंकि इसका सेंस बहुत अच्छा है म्यूजिक का. जो ये म्यूजिक पकड़ता है, हम लोगों को दिखाता है कि भाई ऐसे करके म्यूजिक पकड़ सकते हैं क्या, इसको ऐसा दिखा सकते हैं क्या, तो अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मतलब कंटेस्टेंट भी हमें सिखा रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो अच्छा लगता है कि मतलब कंटेस्टेंट क्या बोलूं, ऐसे मतलब ये असिस्टेंट काम कर सकते हैं. मतलब मैं भी कर चुका हूँ एज असिस्टेंट, मैंने भी काम किया, इसने भी एज असिस्टेंट किया है. काम दोनों का सेम चालू है, बस मैं कोरियोग्राफर बन गया, एक कंटेस्टेंट बन गया, ये फर्क है. बाकी दोनों काम एक ही करते हैं. मतलब हमारे हम दोनों के लिए ये पहला ही शो है एज एन लोग टीवी के सामने आ पाए, मतलब लोगों को दिखा पा रहे हैं, पता है. यस, ये हम लोगों का पहला शो. अच्छा एक मतलब यू नो जैसे एक तो हार्डशिप्स होती है शो को लेके, जब आप यू नो बहुत सारे वीक पर वीक आपको पार करना है वोट्स से, मार्क्स से, वो सबका प्रेशर एक होता है, बट इस बार चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट थी बिकॉज हम सबके लिए एक्चुअली वर्ल्ड वाइड, बिकॉज कोविड का सिचुएशन था, लॉकडाउन हो गया बीच में. मैं जानना चाहूंगी वो जो एक फेज था जब शो नहीं था और ये भी नहीं पता था कि कब शुरू होगा कब नहीं होगा, वो टाइम पे कितना ज्यादा मतलब यू नो प्रॉब्लम था दिमाग में, कितना प्रेशर था कि कब होगा कैसे होगा. देखिए एक्चुअली जब पैंडेमिक के टाइम में भी हम लोगों का सब शूट चल रहा था, पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने बहुत ही मतलब सोनी टीवी ने, फिल्म प्रोडक्शन ने बहुत ही हम लोगों का केयर किया. मतलब हम लोगों को एक एक रूम दिया गया था कि हम लोग अगर हम लोगों को बाहर जाना अलाउ नहीं था. अगर हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं तो एक गाड़ी में दो से ज्यादा लोग बैठ नहीं पाते थे. ऐसे मास्क चालू हो रहे हैं तो सेट पे भी सब लोग मास्क पहने हुए, जो मेकअप दारा से लेके लाइट्स मैन से लेके सब लोगों के मुंह पे मास्क थी, वो किट रहता था. और हम लोग सब सोशल, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे. और आपने देखा होगा तो हमारे शो में हमारे साथ एक शो में कोई नहीं बैठता था, एक शो में एक ही बंदा बैठता था. तो उतना ही, हाँ उतना सेफ्टी मेजर के साथ शो किया गया, उतना सेफ्टी मेजर के साथ शो किया गया कि कोरियोग्राफर्स को साथ में नहीं बिठाए, अलग अलग बिठाए, सबको अलग अलग सोफा दिया गया है. और हर बार एक एक घंटे में सैनिटाइज किया गया था हम लोग का हाथ वाथ जो भी है, मतलब ऐसे पूरा सैनिटाइज करके प्रॉपरली सेट को सैनिटाइज करके शूट किया जा रहा था. और बाहर से भी ऑडियंस अलाउड नहीं था. आपने देखा होगा कि कोई ऑडियंस नहीं बैठते थे, सिर्फ जजेस, परफॉर्मर, बस दैट्स इट. तो हम लोगों ने काफी मतलब सोनी टीवी ने काफी सेफ्टी मेजर के साथ किया है चीजें, इसीलिए
ये शो सक्सेसफुल हो पाया। Yes. आपके लिए क्रिएटिवली कितना मतलब कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस मतलब कुछ आया है कि जैसे मतलब ऐसा कुछ कोरियोग्राफी बिठाना है, बट अभी यू नो बिकॉज ये सारी चीजों के चलते बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, कभी आप करना नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ कि यू नो ज्यादा पास आना हो या बहुत ज्यादा मतलब प्रॉप्स हो, वो सारी चीजें कितना कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया बिल्कुल भी? जैसे कि हम लोग एक्ट करते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं कभी भी एक्ट में प्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों। मतलब हम लोग चाहते ही प्रॉप दे लेकिन प्रॉप की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग डांस इतना अच्छा करते थे तो जो भी हम लोग बोलते थे कि अगर हम लोग प्रॉप्स देते तो बोलते थे प्रॉप्स मत लो, तुम लोग डांस करोगे तुम्हें डांस बहुत अच्छा करते हो, तुम लोग मतलब आजू बाजू को और प्रॉप्स हो जाते तो उससे थोड़ा तुम ढक जाते। चंदा को बोला है जब वोटिंग चल रहा था हम लोगों का कि he is the only contestant पंकज एंड शुभ्रनी only play in the show जिनके डांस की वजह से, सिर्फ डांस की वजह से शो में। तो अपना हम लोगों के प्लस पॉइंट वही था, हम लोगों की वेस्ट भी वो था कि हम लोग बिना प्रॉप्स बिना विजुअल सिर्फ गाना प्ले होगा सिर्फ डांस करके हम आगे बढ़ सकते। तो मेरा भी इंटेंशन वही था शो में कि मैं कोई स्टोरी कोई रोना धोना कोई ये सब लेके आगे नहीं बढ़ना चाहता था, मैं चाह रहा था कि सिर्फ डांसिंग रहे, डांसर भी नहीं रहे सिर्फ डांस रहे, डांस के ग्रुप में लोग आगे बढ़े, मैं ये चाह रहा था और वही हुआ। तो आई एम लाइक द ब्लेस्ड। यस, एक छोटी सी जिसको लेके ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड होती है हमेशा, भारती हर्ष भी उस बात को छेड़ते हैं, जो है आपके और श्वेता के बीच की नोक जोक, मेरे को जानना कि क्या है असलियत और आज जब कपड़े तय हो रहे थे तो डिसाइड किया था कि लाल लाली पहन के आएंगे, मैं इससे पूछ रही हूँ। हाँ देखो अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग श्वेता के साथ मेरा कुछ है नहीं, श्वेता बस अच्छी दोस्त है मेरी, मतलब ऐसा भी नहीं मतलब जैसे दिखता है टीवी में वैसा कुछ है नहीं। मैं भी जब खुद टेलीविजन में देखता हूँ मैं खुद भी सोचता हूँ क्या हो रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब हाँ भारती भी छेड़ते हैं ऑफकोर्स, बट जैसे पार्ट ऑफ शो, बट ऐसा नहीं है कि मतलब अंकल जी सही बोल रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और तो अच्छे दोस्ती हम लोग सच्ची में अच्छी दोस्ती और ज्यादा कुछ है नहीं। उन्होंने को बोला अच्छे दोस्त है ये लोग, अच्छे दोस्त गुड फ्रेंड्स। ओके अच्छा मूविंग ऑन, बहुत क्विकली जाना चाहेंगे पूरे जर्नी में से सबसे फेवरेट मोमेंट अभी तक का कौन सा रहा है? काफी सारे मोमेंट स्टेज पे क्रिएट हुए हैं, जब नौरा आई है, जब सारे यू नो सेलिब्रिटीज आते हैं, तो एक जो फेवरेट मोमेंट अभी तक का आप दोनों का ही रहा है वो कौन सा रहा है? मैं दो फेवरेट मोमेंट बोलूंगा। एक जब मेरे मॉम डैड आए थे ग्रैंड प्रीमियर में, जब काफी सालों बाद हम लोग मतलब मैं मॉम डैड से मिला था, वो एक फेवरेट मोमेंट था मेरी लाइफ में। मैं रो भी दिया था स्टेज पे, मतलब मैं रोता नहीं हूँ बट उस टाइम में इमोशनल हो गया था। और सेकंड टाइम जब धर्मेंद्र सर आए थे, हम लोग ने तुझे बुला दिया परफॉर्मेंस दिया था गाने पे, तो धर्मेंद्र सर खुद स्टेज पे आके अपने जैकेट उतार के हम लोगों का ऑटोग्राफ लिए पीठ पे, मतलब हम लोगों का ऑटोग्राफ धर्मेंद्र से ले रहे हो, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट फॉर मी, लाइक यस बहुत ही सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था, मैं तो मैं हवे में उड़ रहा था तब, बहुत स्पेशल मोमेंट था। मैंने नीचे उतारा कौन सा मोमेंट था जो सबसे ज्यादा यू नो एज अ कोरियोग्राफर, क्योंकि आप भी पहली बार फोरफ्रंट में आए हैं, तो कौन सा ऐसा मोमेंट है, कोई जजेस का ऐसा कमेंट जो आपको लगा कि यू नो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ कोरियोग्राफर मैंने अपने आप को प्रूव किया है? जैसे कि जैसे हमें हमारा जब ग्रैंड प्रीमियर हुआ उसके बाद शोज पर रुक गए थे क्योंकि कोविड चालू हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद जब शो चालू हुआ उसके बाद हमारे एक्ट्स होने लगे तो जेजेस को बहुत पसंद आने वाला, तो पसंद लगने वाला लगने लगा, तो जब भी हमने जितने भी एक दी उसके बाद उसमें 30 पे 30 और कंटिन्यूस 30 मिला है, तो जब भी हमें मतलब हम लोग मुझे बोलते हैं कि अरे पंकज आप क्या कर रहे हो, अरे रुक जाओ, मतलब इतना क्या 30 चाहिए, मतलब इतना क्या कर रहे हो, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो, ऐसा मतलब तो अच्छा लगता था कि हाँ मतलब हर हफ्ता आ रहे हो और मैम गीतामा
सब लोग बोलते कि क्या कर रहे हैं तू, इतना दिमाग अच्छा लगा रहा है, यू आर गुड कोरियोग्राफर, ऐसा सब बोलते तो अच्छा लगता था बहुत, क्योंकि आप कोरियोग्राफर होते तो किसी को, जब आप कोरियोग्राफी करते हो और कोई आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट करते है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी चीज अच्छी दिख रही है किसी के सामने, सो मजा आता था बहुत। एंड इतने सारे सेलिब्रिटीज आए, कौन सा एपिसोड आपका फेवरेट रहा है अभी तक का, जब कौन आया तो आप सबसे ज्यादा खुश थे? बहुत सारे वैसे, मतलब एक तो नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। जैसे जब नोरा मैम आई थी, नोरा मैम जब फर्स्ट टाइम आई तभी बहुत हम लोग बहुत खुश थे कि नोरा मैम आए, उनका डांसिंग एक क्लास है, मतलब उनको देख के इंस्पायर हुए बहुत लोग। जब धर्मेंद्र सर आए तभी बहुत इंस्पायर हुए हम लोग, जब राघव सर आए, जब पुनीत सर, पुनीत सर के टाइम पुनीत सर वाले पे प्रेम सर आए, तो ये सब बहुत ही माइंड ब्लोइंग एपिसोड्स। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड आ गए हैं हम, तो हम ऑफ कोर्स सारी ऑडियंस जानना चाहती है कि फिनाले एक्ट क्या होने वाला है, कोई हिंट्स अगर आप दे, क्या ड्रॉप करेंगे हिंट के तौर पे? हम लोग भी एक्साइटेड हैं बोलने के लिए, बट हम बोलेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। तो हाँ, अभी फिनाले का जो एपिसोड जो आने वाला है, तो 22 को है फिनाले, तो उसके लिए जो शूट्स चल रहे हैं अभी, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब डांस करते हैं तभी, जैसे बोला मैंने कि कोई प्रॉप्स नहीं लेते, कोई विजुअल्स नहीं रहते, हम लोग सिर्फ डांसिंग करते हैं। सो इस बार फिनाले पे बहुत सारे डांसर्स हैं, हम लोग आजू बाजू डांसर्स और स्टेज भरे पड़े हैं, मतलब प्रॉप्स के ऊपर प्रॉप्स, विजुअली माइंड ब्लोइंग दिखने वाले हैं, बहुत बड़ा विजुअल इफेक्ट आने वाला है, मतलब ग्रैंड होते ना ग्रैंड एक्ट, हम लोग अभी ग्रैंड एक्ट करने वाले हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे बीच पकड़, छोटे छोटे चीजें करते हैं, इस बार हम लोग सब बड़े बड़े चीजें, लाउड लाउड चीजें कर रहे हैं, जो एकदम कैमरा में बहुत दिख के आएगा। और हम लोग स्टेज के अलग अलग जगह पे यूज कर रहे हैं चीजें, प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं प्रॉपर डांसर्स के साथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग सेंटर पे नाचते हैं ना, बाजू आजू बाजू में डांसर है, तो सारा वाला फीलिंग भी आ रहा है, थोड़ा सा मजा आ रहा है, बट मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या चीज है वो एक चीज, जब अब यू नो ये पूरे रश के बाद शो खत्म होगा, सबसे ज्यादा क्या याद आएगा? बिकॉज सेट का पूरा एक अपना रश होता है, कंटेस्टेंट्स है, को कंटेस्टेंट्स है, होस्ट इतने अच्छे हैं, जजेस इतने अच्छे हैं, क्रू ऑफ कोर्स बहुत अच्छा, क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मिस करोगे? मैं अगर कुछ मिस करूंगा वो है कि आईबीडी का स्टेज, आई मीन ये स्टेज ने मुझे बहुत कुछ दे दिया लाइफ में, ये स्टेज ने मुझे फैन फॉलोअर्स दिया, ये स्टेज ने मेरे को, मैं अपना जो टैलेंट है वो दिखा पाया, लोगों तक पहुंचा पाया, स्टेज ने मेरे को बहुत कुछ दिया, तो मैं सबसे ज्यादा किसी को मिस करूंगा वो है कि आईबीडी का स्टेज, उसके बाद मैं कंटेस्टेंट्स, कोरियोग्राफर, सब लोग, पूरी यूनिट टीम, सबको मिस करने वाला हूं, बट आई विल मिस मोस्ट स्टेज, कंटेस्टेंट मैनेजर। और सबसे टफ कॉम्पिटिशन क्या लग रहा है, किससे मिलने वाला है सबसे टफ कॉम्पिटिशन फिनाले में, कौन आपको लगता है होने वाले हैं टॉप टू, और परम कुछ कर रहा है उसमें माहिर है, श्वेता कुछ में माहिर है, मुकुल भी माहिर है अपने जोन में, सब अपने अपने जोन में बहुत एक क्लास है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब सी आई एम डिप्लोमेटिक, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा मैं बोल सकता हूँ टफेस्ट कंपटीटर है, क्योंकि जो टफेस्ट है, बात करें आपको क्या लगता है, जैसे ऑफ कोर्स कैलिबर सबका बहुत ही टॉप नॉच है, बट वोट्स के आधार पे आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जितना आपने भी देखा है वीक आफ्टर वीक, टाइगर काफी बार नंबर वन रहे हैं, तो क्या लगता है वो आपके थ्रेट हो सकते हैं फिनाले में? सुब्रमण्यम जीत रहा है अभी, अभी अभी ऐसा है कि मतलब हाँ, वोटिंग के लिए हम लोग सब लगे पड़े, मतलब हम लोग सबके सब लगे पड़े वोटिंग के लिए, क्योंकि यही लास्ट मोमेंट है, इसके ऊपर, इसके आधार पे मेरा डिसाइड होगा। वोट अपील ऑफ कोर्स अभी भी बनती है, अगर आप अभी भी करना चाहें तो। हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं तो करती रहा हूँ, मतलब सुबह से मैं वही कर रहा हूँ, वोट अपील कर रहा हूँ, टाइम जा रहा हूँ, वोट अपील कर रहा हूँ कि वोट दे दो। ये जर्नी बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों के जो फैन फॉलोअर्स, जो फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं हमें, प्लीज प्लीज वोट करें,
क्योंकि वोट के थ्रू ही हम लोग ये शो जीत सकते हैं। अभी हम लोग का काम था डांस करना, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालना, तो बेस्ट हम लोगों ने दे दिया है। हम लोग को स्टैंडिंग हर हफ्ता मिला है, हम लोग को 30 हर हफ्ता मिला है, बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है, बेस्ट परफॉर्मेंस तो वीक मिला है, सब कुछ मिल गया। अभी आप लोगों का काम है वोट देना, वोट देके शो जिताना, प्लीज वोट देके शो जिताइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट पंकज और शुभ्रनील, आपको ट्रॉफी के साथ फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.